अदरक लहसुन प्याज और टमाटर है, कैप्सिकम है, मिर्ची है हरी, और मैंने एक राजेश मसाला लिया है, 3 बड़े, मैगी है और ये अंडा है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने रख दी कढ़ाई गर्म होने के लिए, गैस को ऑन कर दिया, तो मैं उसमें डाल रही हूँ तेल। अदरक को जैसे ही मैंने चटकने दिया, उसके बाद इसमें लहसुन डाल देना है। मैंने यहाँ पे साबुत लहसुन डाला है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है हमारे घर में सबको। सो फ्रेंड्स, इसी पे मैं हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ, इसके अंदर हल्का सा भून, मिर्ची को हल्का सा भून, इसमें डाल दूंगी प्याज। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, तो हल्का सा इसे भून लेना है हमें। सो फ्रेंड्स, प्याज के बाद मैं यहाँ पे कैप्सिकम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये कैप्सिकम को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, तो नमक को थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसके अंदर, ताकि ये प्याज और कैप्सिकम थोड़े गल जाएं। तो ये देखिए, हल्का हल्का इसे मैं चला ले रही हूँ। तो यहीं पे दोस्तों, अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी, तो टमाटर को भी भून लेना है अच्छे से। तो ये सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने मैगियों को फाड़ लिया है। सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, एक पैकेट हमने राजेश मसाला डाला है, ये 5 वाला राजेश मसाला है। ये तकरीबन हमने 1 चम्मच इसमें राजेश मसाला डाल दिया, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, ये गरम मसाला है। हमने मैगी का जो पैकेट मिलता है उसके मसाले डाल दिए हैं। तो ये मसाले डालने के बाद थोड़ा सा भून लेना है हमें। यहीं पे हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसी में हम 3 ग्लास पानी डालेंगे, हमारा ग्लास देख लीजिए इतना है ये। तीन ग्लास पानी डाल दिया है हमने इसके अंदर। तो इसे रख देना है 5 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसमें अच्छा सा उबाल आने देना है। जब ये उबलने लगेगा, तब इसके अंदर हम मैगी डालेंगे। ये मैगी उड़ा रही है, कच्चा ही चबा रही है ये सब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, हम इसे खोलने वाले हैं। वाह, कितना अच्छा ये बॉइल्ड हो रहा है। तो इसके अंदर हम ये मैगी डाल देंगे। कितना अच्छा कलर आया इसका। तो ये सारी की सारी मैगी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा चला ले रहे हैं। तो ये हमारे घर में मैगी और अंडा सबको बहुत पसंद है भाई। मैं तो बहुत मजे से खाती हूँ, बनाती हूँ सबके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ही खाती हूँ। तो ये मैगी हमारी 2 मिनट में पक जाएगी। देखिए दोस्तों, तो मैगी में अच्छा सा उबाल हो गया है, तब हम इसमें अंडा फोड़ के डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें अंडा। तो अच्छे से इसे भी चला लेना है इसके अंडे को। तो देखिए, हमारी अंडा ग्रेवी विद मैगी कैसे तैयार हो चुकी है। इसमें मैगी भी है, अंडा भी है। तो
ये हमारा मैगी तैयार हो गया है दोस्तों। ये देखिए अंडा का सालन भी है और मैगी भी है। तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो हल्का सा इसमें नमक हम पीछे से डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा डाला था। तो अब अच्छे से चला लेना और गैस को बंद कर देना है और इसे रख देना है 5 मिनट के लिए ढककर। तो ये रेसिपी तैयार हो गई है, अंडा विद मैगी, बहुत मजेदार, आई लव इट। सो फ्रेंड्स, यहीं पे हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, पीछे से हमारा प्रिय दोस्त धनिया को डाल दे रहे हैं, कितना हरा भरा हो गया है। तो मजे से हम खाने जा रहे हैं। तो आप लोगों पे बनाइए मैगी विद अंडा और मजे से खाइए। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ही लजीज लग रहा है अंडा और मैगी, देखिए कितना प्यारा पका है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो जा रही हूँ खाने। तो ये देखिए मैगी विद चावल और अंडा, तो ये बहुत ही मस्त लग रहा है। कवर कर, यहाँ पे सिया परी खा रही है और मम्मी काकी लाली है। तो यहाँ पे परी और सिया खा रही हैं। बहुत टेस्टी है, मुझे मैं ऐसे ऐसे करते हैं। मुझे ये अंडा।